Industrialization and environment challenges in Pakistan. Everywhere, once industrialization process is accelerated, it is obvious that environmental issues and problems used to happen over there. Industrialization is the mark transformation of a society from agrarian to a manufacturing or industrial one. ऐसी सोसाइटी जिसमें एग्रेरियन से वो मैनुफेक्चरिंग सोसाइटी की तरफ जहाँ प्रोडक्शन होती हैं चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं लेटर ऑन दैट इज़ बीइंग सॉल्ड आउट इन द प्री मार्किट जहाँ कंपिटिशन बहुत सी कंपनीज कोई भी सोसाइटी जब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ सफ़र तय करती है तो वहाँ ऑबियस है कि इन्वामेंटल चैलेंजेस भी आते हैं सेम इन पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के एरियाज़ द अरबन सेंटर जहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की एग्जांपल लें दैट इज़ द इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान बट एट द सेम टाइम इन्वामेंटल ईशोज़ एंड प्रॉब्लम आर ऑन पीक इन दिटी ऑफ कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू हो वाटर कंटेमिनेशन हो ओवरऑल पोल्यूशन हो एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन इन्वामेंटल पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन जो समंदर के साथ जो विदाउट ट्रीटमेंट जो पोल्यूटेड वाटर है समंदर में फेंक दिया जाता है तो नेचुरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ जाते हैं इन्वामेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट नगेटिव इन्वामेंटल इफेक्ट्स सच इज़ पोलूशन इनक्रीज ग्रीन हाउस गैस डिस्चार्ज इकनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्रियलाइजेशन और जब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज होती है अल्टीमेटली दैट इज द ग्रीन हाउस गैस दैट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ दौन लेर उससे जोन लेयर की डिप्लेशन होती है सी ओ टू अमीशन पैदा होता है तो ऑबियस है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वहाँ सी ओ टू अमिशन और ग्रीन हाउस गैसेज भी पैदा होती हैं दैट काज ग्लोबल वार्मिंग उनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्लोबल वार्मिंग इट्स हैज़ द मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज जो ग्लेशियर्स uh, का मेल्ट होना है फ्लड लाइक सिचुएशन सोयल अरेजन ओवरऑल इन्वायरमेंटल ईशूज एंड प्रॉब्लम द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द एनर्जी तो जब ग्लोबल वार्मिंग है उसके साथ ऑटोमेटिक बहुत से ऐसी चीज़ें ऐसे सिस्टम्स हैं जो डिग्रेड होते हैं डिप्लेशन होती है नेचुरल सिस्टम्स की सो इन द फ्यूचर सिनेरियो एंड इन द अपकमिंग परस्पेक्टिव ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिगेस्ट थ्रेट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी देर आर फोर प्राइमरी इम्पैक्ट्स पॉइंट वेन इट कम टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है चार मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका असर होता एर, है एयर विद द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज जहाँ फैक्ट्री होती हैं विद द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी जगह पर जहाँ इंडस्ट्रियल सेटलमेंट होती है ज़्यादा लोग आते हैं ज़्यादा एक्टिविटी होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी इशू हो सकता है एयर पोल्यूशन ख़ास तौर पे वहाँ पे होती है कि हर टाइम वहाँ पे ऑड सी स्मेल का होना साथ साथ वहाँ पे ऐसी चीज़ें होना जो आँखों को चुबें भली ना लगें सांस लें तो सांस लेने में भी, भी प्रॉब्लम होना तो नेचुरल सिस्टम्स में जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं किसी जगह पे तो उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंस एयर पोल्यूशन की शक्ल में मिलते हैं ऑन अदर साइड द वाटर पोल्यूशन द इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर वो ट्रीटमेंट के बग़ैर नेचुरल वाटर चैनल्स में नेचुरल सिस्टम्स में मिला दिया जाए या किसी ऐसी जगह पे डंप कर दिया जाए जिससे डायरेक्ट वो हार्म पहुंचाए अंडरग्राउंड वाटर को तो इट्स वाटर पे इंडस्ट्री के बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं सॉइल सॉयल में डायरेक्ट ट्रीटमेंट के बग़ैर जब ये वाटर सॉयल के सिस्टम में इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलता है तो मैसिव डैमेज देता है लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म होती है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती है और नेचुरल हैबिटेट जो है उसको भी उससे ओवरऑल डैमेज पहुंचता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विद द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द फोर टाइप ऑफ डैमेज आर सर्टन द फर्स्ट वन इज द एयर पोल्यूशन सेकेंड वन इन टर्म्स ऑफ द डिप्लीशन ऑफ वाटर आर द कंटेमिनेशन आर द पोलूटेड वाटर सॉयल

उतना ज़्यादा सी ओ टू मिशन पैदा होगी उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज पैदा होंगी जो अल्टीमेटली मैसिव डैमेज देंगी ह्यूमन इन्वामेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेडिंग एंड इकोनॉमिक स्टार्टेड टू सक्सीड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्ट्रेप स्प्रेड करती है तो इकॉनॉमी जो है वो सक्सीड होना शुरू हो जाती है बट द इन्वायरमेंट बिगेन टू डैमेज लेकिन उसके रिजल्ट के तौर पर इन्वारमेंट ओवरऑल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन डीफॉरेस्टेशन आल कंट्रीब्यूटेड टू द डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के डैमेज में एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है एसिड रेन्स होती हैं जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से ओवरऑल प्लांट्स जहाँ जहाँ वो बारिश पड़ती है वो डैमेज होते हैं वाटर पोल्यूशन उससे आती है डीफॉरस्टेशन इज इट्स इज़ डैमेजिंग इन्वायरमेंट एट मैसव लेवल so it is very important to understand the environment and the industry nexus for the industrial activities and if there is no arrangement for the proper treatment of industrial waste that is directly making harm to the natural environment in all four dimensions that is the air one that is the water one soil one and the habitat one so it is important to note that industrialization itself Create multiple environmental issues and challenges. It is the need of time to have the massive planning, the uh, designing, the plannings of the such type of interventions in the industrial sector that may uh, that can reduce the environmental damage in the industrial in the process of industrial activity.